हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल Breathe for Chance में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, अगर आपने पिछले व्लॉग देखे होंगे कि हम बिहार में घूम रहे हैं और अभी हम आज आए हैं राजगीर। जी हाँ, बिहार में राजगीर विश्व शांति स्तूप देखने। और दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं यही है विश्व शांति स्तूप जाने का रास्ता, वहाँ तक जाने का ट्रैक। तो यहाँ से पैदल चलकर ही हमें ऊपर 6 किलोमीटर का ये सफ़र तय करना है, क्योंकि रोप वे आज बंद है। ये हैं ट्रॉलियाँ, ये रोप वे है और आज ये बंद है, तो हम रोप वे से तो नहीं जा सकते, तो ट्रैक करके ही जाना होगा। और ये ट्रैक पर चलते हुए बीच में एक नज़ारा, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर। ठंड का मौसम है तो थोड़ी ओस छाई हुई है चारों तरफ, तो थोड़ा कम दिख रहा है ये नज़ारा। काफ़ी ऊपर तक चढ़ चुके हैं हम। लोगों से पूछा है तो कोई कह रहा है पास में है, कोई कह रहा है बहुत दूर है, कोई कह रहा है थोड़ी सी चढ़ाई मुश्किल है, फिर आगे आसान है। अब देखते हैं क्या है असलियत, कितना दूर है अभी चढ़ाई, कितनी ऊंची है। दोस्तों, चढ़ाई बहुत खड़ी है, आपको शायद कैमरे में ना दिख पा रही हो, लेकिन काफ़ी खड़ी चढ़ाई है, चढ़ना बहुत मुश्किल हो रहा है दोस्तों। लेकिन देखते हैं कहाँ तक चल पाते हैं, चढ़ पाते हैं। जाना तो है ऊपर, ऊपर में मतलब विश्व शांति स्तूप तक। दोस्तों, यहाँ से हम आ रहे थे अभी, और यहाँ से हमने ये लेफ्ट टर्न लिया है विश्व शांति स्तूप की तरफ। तो ये जो चढ़ाई थी ये काफ़ी ऊंची चढ़ाई थी, काफ़ी स्टीप चढ़ाई थी, और ये थोड़ी चढ़ाई कम लग रही है, यहाँ चलने में थोड़ी आसानी है। हाँ, वहाँ बहुत चढ़ना पड़ रहा था ऊँचा, बहुत स्टीप चढ़ाई थी, अब चढ़ाई थोड़ी कम है, थोड़ा स्मूथ रास्ता है, तो अब हम धीरे धीरे चल सकते हैं जल्दी जल्दी। और दोस्तों, यहाँ हमें दिखा है एक शॉर्टकट, पथरीला रास्ता है, ऊंचा चढ़ाई है पर है शॉर्टकट, तो यहीं से निकलते हैं शॉर्टकट से, थोड़ा जल्दी पहुंच जाएंगे। ये काफ़ी लोग यहां से गए हुए हैं, सामने बैठे हैं, दिख रहे हैं, कुछ हमारी फैमिली के लोग भी हैं। ये शॉर्टकट है, थोड़ा कठिन है पर चल सकते हैं आराम से। चढ़ाई उतनी नहीं है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर बंदर हैं, लोग सामने से कह रहे हैं कि फ़ोन जेब में रख लो, बंदर फ़ोन छीन रहे हैं, तो मैं फ़ोन अभी जेब में रख रहा हूँ क्योंकि बंदर यहाँ पर झपट्टा मार रहे हैं। आगे चल के मैं फ़ोन खोलता हूँ, ठीक है दोस्तों। ये चढ़ाई मैंने आपको दिखा दी, शॉर्टकट है, आगे मिलते हैं। तो दोस्तों, ये चढ़ाई हम चढ़ चुके हैं, जो हमारा शॉर्टकट था हमने कम्प्लीट कर लिया है, और अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे हम इस रास्ते की तरफ। और आगे कुछ बंदर बैठे हुए हैं जो परेशान कर रहे हैं ये, तो कुछ देर यहाँ बैठकर फिर आके चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, हमने यहाँ पर रेस्ट कर लिया है 5 मिनट, लेकिन अब इस रास्ते से हम नहीं जाएंगे, यहाँ पर एक और शॉर्टकट है ऊपर जाने का। ये थोड़ी कड़ी चढ़ाई है, कड़ी चढ़ाई है, और ओ नो नो नो, यहाँ से बिल्कुल नहीं जा सकते, गिर जाएंगे तो बचेंगे ना। तो हम वापस, दोस्तों ये रास्ता कुछ ज़्यादा ही खड़ा है, तो यहाँ से चढ़ना थोड़ा कठिन है, मुश्किल है, तो हम उसी रास्ते से जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों, हमने इरादा किया है कि हम इसी रास्ते से जाएंगे, ये ट्रैक चढ़कर जाएंगे, ये शॉर्टकट चलकर जाएंगे, क्योंकि बंदर अब यहाँ से जा चुके हैं, बंदरों की सेना भी आई थी, वो जा चुकी है, तो अब हम इसी रास्ते से चलेंगे ऊपर, शॉर्टकट है, तो चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, ट्रैक चढ़ते चढ़ते हालत हो गई है ख़राब, क्योंकि अपना ट्रैक चढ़ने का एक्सपीरियंस तो है नहीं, पहली बार इतना लंबा ट्रैक
तय किया है, इतना लंबा ट्रैक चढ़ा है तो हालत हो गई है ख़राब। हम तो मोटरसाइकिल वाले, बाइक वाले, अब चलना पड़ रहा है आज पैदल, तो हालत हो गई है ख़राब। तो बस अभी पहुंचने वाले हैं, ऊपर से आवाज़ें आने लगी हैं, तो हम अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचने वाले हैं, तो मिलते हैं आपको ऊपर अपनी डेस्टिनेशन पर। वैसे यहाँ जगह जगह नींबू पानी वाले हैं जो आपको पी लिया, वैसे पी लिया अभी पीछे, डिहाइड्रेट होने से बचाएंगे। और ये रहा, ये भाई साहब बता रहे हैं ये 3000 फीट की ऊंचाई पर है जी, तो चलते हैं ऊपर। तो दोस्तों, काफ़ी स्ट्रगल करने के बाद, काफ़ी पैदल चलने के बाद, काफ़ी चढ़ाई करने के बाद, अब हम अपनी मंजिल पर पहुंच चुके हैं। तो हम पहुंच चुके हैं, ये देखिए दोस्तों कितना सुंदर दृश्य है आपके सामने, और ये हम पहुंच चुके हैं विश्व शांति स्तूप। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं ऊपर जाकर कि कैसा है ये विश्व शांति स्तूप। यहाँ से तो बहुत ही बढ़िया नज़ारा है, बहुत सुंदर लग रहा है, तो आगे चलकर देखते हैं दोस्तों। तो बने रहिए मेरे साथ, और दोस्तों देखिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है व्लॉग बनाने के लिए, है ना, कितनी चढ़ाई चढ़कर आना पड़ा है, 3000 फुट ऊपर की ऊंची चढ़ाई है ये। तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। मैं आगे भी ऐसी वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा, अच्छे अच्छे वीडियो बनाता रहूँगा। आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे तो मोटिवेशन मिलेगा दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। तो बने रहिए मेरे साथ और चलते हैं विश्व शांति स्तूप की तरफ। तो दोस्तों, ऐसा है कुछ नज़ारा विश्व शांति स्तूप का, ये देखिए दोस्तों। दोस्तों मैं आपको बता दूँ, जो आप सामने देख रहे हैं ये कोई मंदिर, मतलब मंदिर तो है, टेंपल तो है, लेकिन इनको बेसिकली पकोड़ा कहते हैं, पकोड़ा, ये पकोड़ा है। बुद्धिज्म में जितने भी ऐसे टेंपल आपको दिखेंगे उनको पकोड़ा कहा जाता है। तो आइए इसको एक बार चारों तरफ से देखते हैं कि कैसा है ये विश्व शांति स्तूप पकोड़ा। चारों तरफ चलकर देखते हैं, घूम कर देखते हैं कि इसके आसपास और क्या क्या है दोस्तों। चलिए बने रहिए मेरे साथ दोस्तों, ऐसा है कुछ ये पकोड़ा, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा। और दोस्तों मैं आप लोगों से कहूँगा, अगर आप यहाँ आने में समर्थ है आपका, तो आप एक बार ज़रूर यहाँ आइए। अगर आप आ सकते हैं तो मतलब मैं खुद हैरान हूँ कि हमारे इंडिया के अंदर बिहार में इतनी खूबसूरती है और हम लोग उसे नहीं देख पाते, हम लोग वहाँ नहीं जाते। ये रहा टेंपल और ये रही नीचे खाई, 3000 फीट की ऊंचाई पर हैं हम और नीचे खाई है। धुंध काफ़ी है, सर्दियों का मौसम होता है इसलिए कुछ दिख नहीं रहा है दोस्तों, नीचे पेड़ ही पेड़ है। अगर मौसम आज साफ़ होता तो बड़ा अच्छा नज़ारा, बड़ा अच्छा दृश्य होता दोस्तों। तो चलिए चलते आगे की तरफ, यहाँ पर छोटे छोटे भी कुछ स्तूप बने हुए हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, इनको बोलते हैं शायद, मुझे कन्फर्म याद नहीं आ रहा, इनको चोकता बोलते हैं शायद, चोकता, ये जो बने हुए हैं, ये सुंदर जापान से आकर बौद्ध धर्म की इस पुण्य स्थली राजगीर की पुनर्विकास योजना से अपने अभूतपूर्व योगदान के लिए चिरस्मरणीय भिक्षुटी होरिओचो को परम पूज्य फुजुई गुरुजी के आशीर्वाद से निर्मित हुआ। तो ये कुछ ऐसी स्तूप यहाँ बने हुए हैं काफ़ी,
ये आप देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर और बहुत ही खूबसूरत हैं दोस्तों। वो दूर आगे तक बने हुए हैं, एक वो आपके सामने है दोस्तों, ये देखिए कितना बढ़िया और सुंदर दृश्य है दोस्तों। तो दोस्तों आपको विश्वास हो रहा है कि बिहार में भी ऐसी जगहें हैं, ऐसे सुंदर प्लेस हैं? मतलब मैं खुद हैरान हूँ कि बिहार में इतनी सुंदर जगह, मतलब हम हमेशा से यही सुनते आए हैं कि बिहार ऐसा है, बिहार वैसा है, बिहार में गुंडागर्दी है, बिहार में ये है, बिहार में वो है, लेकिन दोस्तों वो बातें हो गई है 20-25 साल पुरानी। अब बिहार वो बिहार नहीं है, अब यहाँ भी तरक्की हुई है, यहाँ के लोग भी पढ़े लिख गए हैं और समझदार लोग हैं, और मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप लोग भी बिहार घूमने ज़रूर आएंगे, और ज़रूर आएँ दोस्तों, बहुत अच्छी जगहें हैं यहाँ पर घूमने की, और अगर आप थोड़े से भी सामर्थ्य हैं तो आप यहाँ आ सकते हैं, कोई ज़्यादा महंगा नहीं है, एक्सपेंसिव नहीं है। देखिए हर जगह सब तरह के लोग होते हैं, तो यहाँ भी हर तरह के लोग हैं, लेकिन अब कुछ वो गुंडागर्दी वाला सीन नहीं है। आप आराम से ट्रैवल्स वालों को पकड़िए, टैक्सी वालों को पकड़िए, गाइड्स लोगों को पकड़िए, तो वो आपको अच्छे से घुमा भी देंगे। अगर उनको नहीं भी पकड़ेंगे तो आप इंडिविजुअल भी टैक्सी लेकर किसी भी ट्रैवल वाले के पास जाइए, ट्रैवल एजेंट के पास, वो आपको टैक्सी कराएगा और वो टैक्सी वाला ड्राइवर आपको सब जगह घुमाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और आप आइए, बिहार बहुत खूबसूरत है दोस्तों, बहुत बढ़िया है, और मेरी रिक्वेस्ट है और मैं कहता हूँ आपसे, आप ज़रूर आइए। और दोस्तों अगर आपको मेरा व्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा। लाइफ में पहली बार इतना ट्रैक मैंने चला है, इतना इतनी ऊंचाई पर मैं ट्रैक करके आया हूँ, मेरी आदत नहीं है, अब आदत डालूँगा, लेकिन आदत मुझे है नहीं ट्रैक पर चलने की, क्योंकि हम तो बाइक वाले हैं, मोटरसाइकिल वाले, आगे बंदर बैठे हुए हैं, तो मैं आगे नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये अटैक कर देते हैं और फ़ोन छीन लेते हैं, और मेरे हाथ में छोटा सा बैग भी है, तो इनको लगता है कि कुछ खाने पीने की चीज़ है, तो ये अटैक करते हैं और बैग और फ़ोन छीन लेते हैं। तो यहाँ से निकलते हैं, लंगूर बैठे हुए हैं यहाँ पर। तो दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक ज़रूर करना, और व्लॉग में बने रहना, मैं आगे आपको और भी अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाने वाला हूँ, सो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों। तो मिलते हैं आगे। तो दोस्तों यहाँ से ऊपर जाने का रास्ता है, तो ऊपर चलकर देखते हैं कि कैसा है ये स्तूप। तो चलते हैं ऊपर की तरफ और आपको दिखाते हैं कि कैसा है ये स्तूप। ये देखिए दोस्तों कितना खूबसूरत दृश्य है आपके सामने, विश्व शांति स्तूप। तो दोस्तों एक बार मैं आपको चारों तरफ से दिखा देता हूं कि कैसा दिखता है ये स्तूप, बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया। ये चारों तरफ बुद्धा की स्टैचू लगी हुई है, ये रही बुद्धा जी की स्टैचू, एक वहाँ सामने थी जहाँ से हमने स्टार्ट किया, एक ये रही, मतलब पूरा चारों तरफ से सेम बना हुआ है, और ऐसे रास्ता है। यहाँ पर ये बुद्धा जी की लेटे हुए स्टैचू है, ये पोजीशन उनके अंतिम दिनों को दर्शाती है, जब उन्होंने शरीर त्यागा था, महापरिनिर्वाण लिया था, तो उस समय को ये दर्शाती है, इनकी लेटी हुई अवस्था की मूर्ति। तो चलते हैं आगे। एक स्टैचू ये रही बुद्धा की, चारों तरफ ऐसे स्टैचू हैं, और अब हम आ गए हैं इसकी
फ्रंट साइड।